तो गाइस आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज में एंटर होते ही सारे बच्चे मिरर के पास खड़े होते हैं और यहाँ पे अपना हुलिया देखते हैं। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से आगे कॉलेज का सीन। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं वो कैंटीन वाला एरिया है। फिलहाल अभी उधर कैंटीन तो नहीं है, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे जो ये देखें, यहाँ पे वाटर कूलर है, यहाँ से सारे बच्चे पानी पीते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंस ऑफिस, ये है फाइनेंस ऑफिस। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, आप देख सकते हैं कॉन्फ्रेंस रूम। उसके बाद हम सीधा अगर आगे जाएँ तो यहाँ पे देखेंगे क्लास 9th है सबसे पहले। उसके बाद हम यहाँ पे सीधा अगर आगे जाएँ तो ये देखें, यहाँ पे ऊपर ग्राउंड पे जाने का रास्ता है और ये स्टूडेंट वॉशरूम है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जनरेटर रूम है, यहाँ पे एक जनरेटर पड़ा होता है। उसके बाद ही क्लास 10th एफ है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं डेंजर, यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं हाथ लगाना। उसके बाद ये देखें 10th ही। उसके बाद हमारी सबसे प्यारी और सबसे मशहूर क्लास 10B। उसके बाद आप देख सकते हैं आगे जो रास्ता जाता है ये क्लास 8 का है। वही ऊपर एक नोटिस लगा है, नो एंट्री फॉर क्लास 9 एंड 10। लेकिन यार हमने तो एंटर होना है। तो यहाँ से हम टर्न करते हैं तो ये कंप्यूटर, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कंप्यूटर लैब थी और काफ़ी यहाँ पे कई बार हमारी क्लास को भी ले गए। ये पुरानी कंप्यूटर लैब है और ये आप देख सकते हैं ये पूरी बड़ी कंप्यूटर लैब है, ये उसका सेकंड डोर है और ये यहाँ पे एक और कूलर लगा हुआ है। उसके बाद डेंजर है, यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं आते जाना। उसके बाद अगर हम आगे सीधा जाएँ तो यहाँ पे ऊपर क्लास 8th आती है, 8th। यहाँ पे पहले 8th नहीं होती थी, यहाँ पे कोई क्लास नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पे 8th और 8th भी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं आगे, यहाँ से हम वापसी का अगर टर्न लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर सीढ़ियों के ऊपर हम चढ़ते हैं। जो यहाँ पे हम टर्न लेते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 8th एफ आ गई। आप देख सकते हैं जो यहाँ से हमने यहाँ से टर्न ली तो वो आ गए 8th एफ। उसके बाद ये डेंजर, उसके बाद इस साइड आ जाते हैं, ये ऊपर बिल्कुल जो सीढ़ियाँ जा रही हैं छत को जा रही हैं आप देख सकते हैं, और ये 8C आ जाती है यहाँ पर। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे जाएँ तो यहाँ पर आखिर में क्लास 8D आ जाती है। फिर उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, ये क्लास 8D है और उसके बाद ये क्लास 8C है। उसके बाद जो जब हम 8 में न्यू आए थे तो बिल्कुल जो हमारी क्लास थी फर्स्ट क्लास, क्लास 8E, द लेजेंड क्लास, इसको हम अभी तक मिस करते हैं, इसके अंदर भी जाते हैं यार, हम अपनी क्लासों के अंदर ज़रूर जाएंगे। आप देख सकते हैं लेकिन जब हम यहाँ पे आए थे यहाँ पे लकड़ियों की कुर्सियाँ थी, अब आप देख सकते हैं काफ़ी हमारी क्लास में तरक्की हो गई है। और ये आप ऊपर देख सकते हैं घड़ी भी लग चुकी है, था थी भी। बाय बाय 8E, बाय बाय, लव यू। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आते हैं आगे तो 8E से निकल के यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा,
इसको ओपन करते हैं। ये नहीं ओपन होता, वापस नीचे वाला रूट। यहाँ पे हमें 12 सेक्शन से निकल आए हैं, अब आपको 9 कब जाएंगे। यहाँ से जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वहाँ पे हम जाते हैं। तो ये वो दरवाज़ा था जिसको आगे से कुंडी लगाती थी। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमारी 10D 9D, और उसको देख सकते हैं हमारी ये प्यारी 9D है, 9D, 10D और 8E। आप गाइस देख सकते हैं हमारे इस बोर्ड की हालत जो हमें 9D में मिला था। और अब हम अपनी क्लास को बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे डाइस तो काफ़ी अच्छा आ गया था, तो डाइस भी टूटा फूटा था। ये वाली लाइन आप देख सकते हैं, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये तीसरी लाइन भी। ये हमारा एरिया है, दैट्स अवर एरिया। यहाँ पे हम बिल्कुल बोर्ड के पास बैठते थे। ये लाइन हमारी लाइन है। और गाइस जितना एंटरटेन हम इस क्लास में हुए हैं 9D, उतना हम किसी क्लास में ना होंगे। और ये हमारी लाइन है, दैट्स फर्स्ट लाइन। उसके बाद ये आप 9C को भी देख सकते हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है यार। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10th B है, 9th B। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इस्लामियात एंड अरेबिक डिपार्टमेंट आगे। और यहाँ पे अगर हम आगे जाएँ तो ये आप देख सकते हैं होली प्रॉफिट का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ने हमारे से आधा कॉलेज छीन लिया है। और यहाँ पे ये मलिक सुल्तान PTI रूम है, आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे से सारा एरिया, ये जो 4th ब्लॉक वाला था, छीन लिया है और इस रेक्टेंगुलर बिल्डिंग को ख़राब कर दिया है। यहाँ से हम वापस आते हैं। ये आप देख सकते हैं दीवार पर उसी तरह होली प्रॉफिट का एड्रेस लिखा है, ये बहुत बहुत पुराना लिखा हुआ है यार। ये इस कॉलेज में बहुत पुराना एक हमें क्लू मिलता है। और ये आप कॉलेज का असेंबली वाला हॉल देख सकते हैं, जो भी है सामने लॉन है जो। ये आप ऊपर बेल भी देख सकते हैं, ये कॉलेज की बेल। और ये बायोलॉजी लैब है, बायो लैब। ये हमारी बायो लैब आ गई। सर अमजद, सर अहमद अदनान तबस्सम और सर शाहिद सुल्तान, ये आप देख सकते हैं बायो लैब। उसके बाद ये आ गया है सबसे पहले यहाँ पे ऑफिसर वॉशरूम। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं स्टोर डिपार्टमेंट। यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट में आपको मार्कर्स वगैरह मिलते रहते हैं। उसके बाद ये 9th ही आ गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 9th है, उसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट, सर साजिद खान मंदूरी, आप देख सकते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट। और ये 2nd वाटर कूलर लगा है जो बिल्कुल 1st वाटर कूलर के नीचे है, इसकी हालत तो नाजुक ही लग रही है। उसके बाद ये हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सेल है, ये एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट। और उसके बाद
ये लाइब्रेरी को जाने का रास्ता है, फिलहाल तो ये बंद है। और ऊपर आप देख सकते हैं घड़ी लगी है, और यहाँ से ये आप देख सकते हैं नीचे ऐसा व्यू असेंबली का। और यहाँ से अगर आगे लेके जाएं तो ये कंप्यूटर लैब है, दैट्स कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब की खिड़कियाँ हैं, और ये आप देख सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर गुस्सा आ रहा है, ज़्यादा एरिया हमारा इन्होंने घेर लिया है। तो गाइस यहाँ से आप ग्राउंड का व्यू, ये जो असेंबली हॉल है इसका व्यू ले सकते हैं। और ऑडिटोरियम वगैरह उस साइड है, वो जो आपको राइट साइड नज़र आ रहा है उससे आगे वाली साइड। फिलहाल गाइस ये कॉलेज स्कूल सेक्शन की वीडियो है, क्योंकि इंशाल्लाह हम कॉलेज सेक्शन में ज़रूर हो जाएंगे, और कॉलेज सेक्शन में होना है हमने। ये आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता नीचे जाता है, यहाँ से हम वापस जाते हैं ताकि आपको सामने वाली साइड से लेके जाएं। अगर हॉल तक लेके जा सकते हुए तो ले जाएंगे। FFCB सलारियंस सबसे पहले तो मैं अपनी 10D के अंदर आपको लेके जाता हूँ। ये आप देख सकते हैं 10D क्लास ऑफ लेजेंड्स एंड फिलोसफर्स। आप देख सकते हैं ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये TPAL ये हमने लिखा था, और इसके ऊपर अभी किसी ने अपना कलम फेर दिया। ये आप हमारा डेस्क देख सकते हैं, डाइस XD। ये हमारे प्यारे सर सरताहिर इफ्तार की क्लास है, और आप देख सकते हैं उन्होंने कितनी अच्छी तरह से हमारी क्लास अटेंड की। तो ये आप फिलहाल देख सकते हैं हमारी डेस्क हॉल। यहाँ पे मैं अपना आपको अपना डेस्क भी दिखाता हूँ, मैं अपनी रैक्टिंग आज भी पहचानूंगा। असल में ये हुआ था, शफलिंग हुई थी, तो उसके बाद पता नहीं हमारे डेस्क बदल ना दिए गए हैं। और यहाँ पे जो हमारा एरिया था वो सामने आपको लास्ट लाइन नज़र आ रही है, ये देखें हमारा, ये आप देख सकते हैं ये लास्ट लाइन। 10D में हमारी ये लास्ट लाइन होती थी, और हम इस जगह पे बैठते होते थे, इस जगह पे या इधर पीछे 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 बैठते थे, या इस पूरी लाइन में किधर भी बैठ जाते थे। राजा आसिम, राजा इब्राहिम, जवाद, अनीक और सब दोस्त हम इधर मिल के बैठते थे। और ये जो हमने एक वीडियो भी बनाई थी शीटिंग वाली, और उसमें जो थ्योरम लिखा था वो ये आपको नज़र आ रहा होगा। सो 10D, बाय बाय, लव यू, द बेस्ट क्लास एवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ FFCB। तो गाइस मैंने अब आपको इस साइड लेके जाना था, फिलहाल इस डोर को भी हम बंद कर देते हैं। ये क्लास 10C। उसके बाद 10B, इसमें हम आ गए थे यार प्री बोर्ड और टेस्ट सीरीज में। उसके बाद जब हमारा सेक्शन डी क्रम्बल हुआ था, हमें तोड़ के टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया था। मेरा रोल नंबर 8 था और या 7 था, तो 10A में हमें डाल दिया गया था। 10A भी दिखा देता हूँ यार, ये 10A है, और इसमें हमारी ये फर्स्ट लाइन हुआ करती थी, और आप 10A को देख सकते हैं। फिलहाल तो इधर नई क्लास में आ गई है। उससे अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आप आगे भी आपको लेके जाते हैं,
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी कॉलेज स्टोर्स, और उसके बाद ये है कि द डेस्क पड़ा होता है असम्बली वाला, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी जगह है उसके बाहर यूनिवर्सिटी में हमारे सैयद अली जी, ये ग्राउंड है हमारा FFCB। तो अब हम ऑडिटोरियम की तरफ चलते हैं, पहले आपको इसका साइड व्यू दिखा दूँ। ये आप सामने से देख सकते हैं यहाँ पे ये एट वगैरह क्लासेस जो थी उसका नज़ारा, और ये हमारा ऑडिटोरियम है आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ से अगर हम मुड़ जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं सामने, ये यूनिवर्सिटी वालों ने जो एरिया ले लिया है ये वो है। ये आप देख सकते हैं ये फिजिक्स लैब है या केमिस्ट्री लैब, स्कूल सेक्शन की लैब है। और ये आप देख सकते हैं ये आगे यूनिवर्सिटी का एरिया शुरू हो जाता है। और ये जो आपको न्यू दीवार नज़र आ रही है यहाँ पे, ये कैंटीन का एरिया है, ये आप देख सकते हैं ये हमारी कैंटीन होती है, ये आप देख सकते हैं अंदर ये कैंटीन। अब ये इन्होंने ये भी छीन लिया, आहिस्ता आहिस्ता हमारे से सारा कॉलेज छीनते जा रहे हैं यार, हद होती है। अब आप देख सकते हैं हम आपको अभी लैब में लेके जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्लियर व्यू है, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा कैंटीन का एरिया था यार, ये छीन लिया हमारे से इन्होंने। और ये सामने हमारी लैब है, ये देख सकते हैं बैक साइड पे एरिया है, ये आप देख सकते हैं। ये न्यू साइंस लैब है क्योंकि दो ऊपर हैं फर्स्ट ईयर, बाय बाय साइंस लैब। और कॉलेज से जाने का दिल तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा, ऐसे कैसे जाएं हम भी जाने वाले हैं, अरे फर्स्ट ईयर में इधर ही बेटा, नो टेंशन। ठीक है ठीक है।